तिहोर में दो गुटों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद एक गुट ने बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और आष्टा तहसील पहुंचकर एसडीएम विजय मंडलोई को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बीजेपी नेता पर शहर की फिजा बिगाड़ने और अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। वही मामले में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रघुनाथ सिंह भाटी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि आष्टा एक ऐसी विधानसभा है जहां हम सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और मंडल अध्यक्ष अतुल शर्मा की टिप्पणी पर पार्टी आलाकमान से मिलकर चर्चा करेंगे। मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग नहीं, हजारों लोग हैं। दूसरी बात, जिसको आप नेता कह रहे हैं, मेरी नजर में वो कैसे नेता नहीं है, दो कोड़ी का आदमी है जो लोगों के अंदर धार्मिक भावना भड़का कर अपना हित साधना चाहता है। हमने ये मांग की कि उस पर आईटी एक्ट के तहत और धार्मिक भावनाएं भड़काने के तहत तुरंत कार्रवाई की जाए और हम उसके खिलाफ एफआईआर कराना भी थाने जा रहे हैं। निश्चिंत ही आज ये बात सामने आई है और निश्चिंत ही सभी लोगों ने इस चीज को बताया है, तो निश्चिंत ही हमारे संज्ञान में है। आज मंडल अध्यक्ष यहाँ थे नहीं और उनसे हम निश्चिंत ही इस विषय पे चर्चा करेंगे।